जब भी सादगी और सच्चाई की बात होगी, हिंदुस्तान हमेशा मनोहर पर्रिकर को याद करेगा। चार बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर की छवि हमेशा सादगी भरी रही। आंखें बंद कर जब भी आप पर्रिकर को याद करेंगे, गोवा के इस बेटे की उन्हीं तस्वीरों की छवि उभरेगी, जहां कभी वो स्कूटर पर बैठे दिखाई देंगे, तो कभी होटल में आम लोगों की तरह खाना खाते नजर आएंगे, तो कभी बच्चे की तरह फुटबॉल खेलते दिखेंगे। सोचकर हैरानी होती है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा भी हो सकता है। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन मनोहर पर्रिकर की जिंदगी ऐसी ही थी, सादी, सच्ची और साधारण। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मनोहर पर्रिकर को अक्सर स्कूटर पर यात्रा करते हुए देखा जाता था। पर्रिकर पणजी में विधानसभा भवन और स्थानीय बाजारों से खरीदारी के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करते थे। पर्रिकर को साइकिल चलाना भी बेहद पसंद था, वो खाली वक्त में साइकिल भी चलाया करते थे। एक बार मनोहर पर्रिकर पुणे में एक शादी के कार्यक्रम में कतार में खड़े नजर आए थे, और तो और रक्षा मंत्री होने के बावजूद वो प्लेन में इकोनॉमी क्लास में ही सफर करते थे। यही नहीं, गोवा के सीएम रहते हुए भी उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में रहने से मना कर दिया था और खुद के एक छोटे से घर में रहते थे। जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब का देहांत हुआ तो मैंने उनको कहा कि मैं जाऊंगा उनके फ्यूनरल में, तो उस वक्त पर्रिकर जी को मैंने कहा कि देखिए बहुत भीड़ होगी, मैं आपके साथ जाऊंगा, साथ में रहूंगा, साथ में लौटूंगा। तो वो मुझे अपने हेलीकॉप्टर में ले गए, अपने जहाज में ले गए, कलाम साहब के की जो उस वक्त उनकी मैयत थी उनको साथ में हम लोग लेकर गए। और वहाँ पर देखा, मैंने उनसे पूछा कि आपका बैग कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैं तो कपड़े दो जोड़ी रखता हूँ, लाया हूँ, कहीं होगा। पर्रिकर के करीबी बताते हैं कि एक बार पर्रिकर को एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए 5-स्टार होटल जाना था, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। फिर उन्होंने एक टैक्सी बुलाई और चप्पल पहने साधारण कपड़ों में होटल पहुंच गए। जैसे ही टैक्सी से उतरे तो होटल के दरबान ने उन्हें रोका और कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने दरबान को बताया कि वे गोवा के मुख्यमंत्री हैं, तो ये सुनकर दरबान ठहाके मार कर हंसने लगा और बोला कि तू मुख्यमंत्री है तो मैं देश का राष्ट्रपति हूँ। इस वाक्य को सुनकर आप समझ सकते हैं कि मनोहर पर्रिकर का जीवन कितना सादगी भरा था। जीवन इतना कि अंतिम समय तक बीमारी से लड़ते भी रहे, और जैसे उस गंभीर बीमारी को भी उन्हें कह दिया कि तू अपना काम कर, लेकिन मुझे बीमारी रोक नहीं सकती, मैं अपना काम करूँगा, जनता की सेवा का, देश की सेवा का। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए, दास्ता कहते कहते उनके चरणों में प्रणाम। सियासी विरोधी भी उनकी सामान्य जीवन शैली के मुरीद रहे हैं। दिवंगत पर्रिकर को कांग्रेस नेता भी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पर्रिकर जी की अचानक और बेवकत मौत से बहुत सदमा पहुंचा। मनोहर पर्रिकर जी को मैं कई दशकों से जानता था, जब वो पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और उससे पहले भी जब वो पहले चीफ मिनिस्टर नहीं थे, और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आए, शरीफ आदमी थे, चाहे वो दूसरी विचारधारा के थे लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे थे। आज वो सर्वमान्य नेता दूसरी दुनिया के सफर के लिए निकल पड़ा है, उनका व्यक्तित्व सदा के लिए अमर रहेगा। जोश जोश सो आई विल ट्रांसफर माय जोश टू यू। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।